ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੌਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਐਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਆਪਾਂ ਨਾਰਮਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮੌਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਚੇਂਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੌਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਆ ਉਹ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਿਆ ਸਤੰਬਰ ਅੱਧ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤੇ ਮੌਨਸੂਨ सीजन बंद हो गया है, ये हम बारिशा हो रही अज भी होके हटी है लगातार ही हफ्ते एक दा लग्या होया है, इसदा असर की वेखदे हो फसलों ते? नरमा पट्टी वाले पासे जां कुछ होर बागबानी वाले पासे वेखिए बागां दे विच वेखिए कोई दिक्कत लगदी है किसी प्रकार दी? नहीं, बागां दे विच भी बहुत वधिया रहा क्योंकि इन्नी अच्छी फ्रीकुएंट रेनफॉल हुण जिहड़ी हुई है उहदे नाल मतलब वधिया उन्हां दा प्रोग्रेस रही है। ये बदलाव नूं किवें देखदे हो क्योंकि भादों लंघ के मींह पैणा शुरू ते सौण महीना मींह दा साइन मन्निया जांदा है। बिल्कुल, हाँ जी। प्रोग्राम नाल जुड़े दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला प्यार ते सत्कार नाल सत श्री अकाल। पंजाब खेती प्रधान सूबा है तो मौसम खेती जिहड़ी आपस विच है फसलों का बड़ा गूढ़ा रिश्ता है। मॉनसून सीजन जिहड़ा है जून तो स्टार्ट होकर जिहड़ा 15 सितंबर तक मन्निया जाता है उहदा वैसे अंत हो चुका है, पर इस बार बारिशां जिहड़ियां वो भादों तो बाद भी हो रही हैं, सौण सुक्का रहा है तो फसलों पर की असर होया है? इस वक्त जी बारिश बेमौसमी हो रही है जां उहदा की प्रभाव रहूगा, इस विषय पर गलबात करांगे कि फसलों पर किस तरह का माहौल बनया हुआ है तो किस तरह का सानू रख रखा जो फसलों के पक्ष तो ख्याल रखना चाहिए। मैं PAU आया तो डॉक्टर कुलविंदर कौर गिल साडे अज मेहमान है जिन्हां तो इन्हां सवालों के जवाब लवांगे तो नाल ही इन्हां दी राय जाणांगे कि साडे किसान भरावां नूं इन्हां दिनां च किस चीज़ दा किस गल दा दी एहतियात जिहड़ी जो रखनी चाहिए। सब तो पहलां करदे स्वागत। सत श्री अकाल डॉक्टर साहब। सत श्री अकाल जी, की हाल चाल है डॉक्टर साहब? किस तरह का माहौल लग रहा? मॉनसून सीजन है जिहड़ा वो तां एंड हो गया तो तुहाडे मुताबिक की लग रहा? हाँ बिल्कुल, हाँ जी। जो आप देखते हैं भी ये सौण भादों के आप मॉनसून कंसीडर करते हैं जी जी, पर जिवें हुण अस्सू का महीना चढ़िया है तो पर उदों ही बारिश बहुत ज़्यादा देखी जा रही है जी। तो अदरवाइज जे आप नॉर्मली गल करते हैं तो जो जून तो लैके 15 सितंबर तक असी मॉनसून सीजन कंसीडर करते हैं, पर इस वारी इन्नी कुछ चेंज असी देख रहे हैं कि जो मॉनसून सीजन है एक्सटेंड हो रहा है जी। और जिस तरह हुण पिछे जे साडा जो भारत मौसम विग्यान विभाग है उन्हां ਵੱਲੋं ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ कि ये अक्तूबर तक भी जा सकता है। अच्छा जी, हाँ जी। सो आपू लग रहा है कि यह जड़ा मतलब 15-20 दिन की एक्सटेंशन हुई है जो ड्यूरेशन वधी है वह आपू कुछ हद तक फायदा भी हो सकता है तो कुछ हद तक आपू नुकसान भी हो सकता है। एक बारिशा किनिया करी हैं? बारिशा देखा जाए देखो पहला जो मॉनसून आया तो यदा ऑनसेट बहुत अर्ली सीगा ना, 13 जून में पंजाब के विच मॉनसून आ गया सी और उदों आपां लग रहा सी कि मॉनसून बहुत वधिया रहूगा जी क्योंकि पहला आ गया होया ते क्योंकि साडे कोल तुसीं देखिया है कि हुण ऐतकी सीजन दे विच सीधी बिजाई हेठ जिहड़ा झोने दा रकबा आ वधिया जी ना, पिछले साल जिवें 5 लाख हेक्टेयर सीगा ऐतकी 6 लाख हेक्टेयर। अच्छा, लाख हेक्टेयर बिल्कुल वधिया, हाँ जी। क्योंकि लोकां नूं लग रहा सी कि एक तां पाणी जिहड़ा ओह धरती हेठ मतलब घट रहा है ना, दूजा लेबर की प्रॉब्लम जिवें आपां कोविड महामारी चों लंघ रहे सी आ रही सी ते लोकां दा रुझान इधर होया ते आपां नूं वी लग रहा सीगा कि अगर मॉनसून इस टाइप नाल आ रही है तो हो सकता है कि सानूं मतलब ओहदा फायदा होए है ना, क्योंकि फिर 13 जून तो बाद पर ब्रेक होगी काफ़ी मॉनसून ब्रेक हो के फिर 13 जुलाई में दोबारा ऑनसैट होया पंजाब दे विच, बट उस तो बाद भी काफ़ी जुलाई का महीना वधिया रहा, बहुत सोहनी वर्खा हुई है। जे आप रिकॉर्ड देखते हैं तो मतलब उदों भी साढ़े को 18-19% का अपडाउन सीगा बट वो असी नॉर्मल कंसीडर करते सी, पर फिर अगस्त दे विच की होया कि एकदम बदलाव आ गया जी और अगस्त दे विच जरा डेफिसिट चला गया जी। काफ़ी सख्ती रही मौसम च। बिल्कुल, हाँ जी। जो मतलब इन्ना अच्छी मॉनसून सीजन की प्रोग्रेस देख के एकदम सानू लग रहा सी कि डिप आ गया है ना जी, तो उहदे विच 40 तो 45% तक डेफिसिट आना शुरू हो गया पंजाब दे विच जी। तो उदों फिर लोगों को वरीड हो गया कि एदकी फिर मौसम जड़ा वो मतलब खराब करेगा या ना झोने भी प्रॉब्लम आई, पर फिर भी ठीक रहा क्योंकि उधरों जिवें नरमे वाली पट्टी सीगी उत्थे भी आपां नूं लग रहा सी भी औड़ आ जाती है कई बार तो प्रॉब्लम आ जाती है ना, टैंपरेचर हाई हो जाते हैं मॉनसून नहीं होंदी तो, पर उत्थे भी इन्नी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई। जिवें हुण डॉक्टर साहब आ गया सितंबर अद्ध लंघ गया तो मानसून सीजन बंद हो गया है, ये हुण बारिशां हो रही हैं, अज भी होके हटी है, लगातार ही हफ्ते एक दा लग्या होया है, इहदा असर की वेखदे हो फसलां ते? जिस जे आप झोने की गल करते हैं तो हले तक तो देखो प्रॉब्लम कोई नहीं है, है ना, थोड़ी जी जिवें मौसम के बदलाव के नाल जिवें पत्ता लपेट सुंडी आ गई है ना, या कोई होर इंसैक्ट पेस्ट की थोड़ी जी प्रॉब्लम आ जाती है, उहदे नाल आपां कह दिंदे आ कि तुसीं स्प्रे कर सकदे हो, इन्नी है। बाकी जो होर आप क्रॉप स्टैंड देखते हैं तो उहदे विच कोई इन्नी प्रॉब्लम नहीं। नरमा पट्टी वाले पासे जां कुछ होर बागबानी वाले पासे वेखिए, बागां दे विच वेखिए, कोई दिक्कत लगदी है किसी प्रकार की? नहीं, बागां दे विच भी बहुत वधिया रहा क्योंकि इन्नी अच्छी फ्रीकुएंट रेनफॉल हुण जिहड़ी हुई है उहदे नाल मतलब वधिया उन्हां दा प्रोग्रेस रही है, उन्हां दी क्रॉप स्टैंड भी अच्छा रहा सारा। बस ये सीगा कि थोड़ी निकासी पानी दी जरूर होनी चाहिए है ना, इन्ना कापा जरूर एडवाइस करते रहे हैं कि पानी खड़ा ना रखो खेत दे विच है ना। सो इस तरह ही जदों हुण अगस्त दे विच डेफिसिट रहा, पर हुण जिहड़ी सितंबर दे विच जिहड़ी हुण रेनफॉल हुई है इहदे नाल फिर ओह जिहड़ा हैगा आ कि 12 ਤੋਂ 14% तक डेफिसिट रह गया, ते जे 19% ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਆਂ ਵੀ ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਚੱਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ 19% ਪਲੱਸ ਹੋ ਜੇ ਜਾਂ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜੇ ਜੀ ਨਾਰਮਲ ਨਾਲੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਰਮਲੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ 14% ਡੈਫਿਸਿਟ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਅਸੀਂ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ 14% ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਮਾੜਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਦੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਮੀਂਹ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਸੌਣ ਮਹੀਨਾ ਮੀਂਹ ਦਾ ਸਾਈਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਓਵਰਆਲ ਹੀ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਅਗਸਤ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵਾਰਮੈਸਟ ਮੰਥ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ 2021 ਦਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਯੂਐਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਡੇ ਬਾਏ ਡੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਰਿਆਵਲ ਵੱਲ ਰੁਝਾਨ ਹੋਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਖਤ ਲਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਰੁੱਖ ਲਾਵਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਰਖਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਟੈਂਪਰੇਚਰਸ ਵੀ ਘਟਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਡੋਪਟ ਕਰਨੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਣੀਆਂ, क्योंकि जिन्नी ज़्यादा मौसमी तब्दीलियाँ आ रही हैं, ना शहरीकरण हो रहा है, रुखा की कटाई हो रही है, फिर आप कहने हैं कि अग लाई जा रही है, रहन खून में अग ला रहे हैं, उहदे नाल भी कार्बन डाइऑक्साइड लैवल वधदा है, तो एटमोसफेयर दे विच जिहड़ियां ग्रीन हाउस गैसां ने ओह वध जांदियां जी। सो जिहड़ियां ग्रीन हाउस गैसां वधदियां ने इहदे जदों सूरजी किरणां नूं अंदर तां आउण दिंदियां, पर जदों धरती तो वापस जाना हुंदा है उत्थे फिर ओह रुकावट पैदा करदी जी, जिहदे नाल कि जिहड़ा साडा एनवलप बन जांदा है ना, उहदे नाल सानूं फिर प्रॉब्लम आंदी है। ते जिहड़ा मौसम ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਦੇ ਬੱਦਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਖਤੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਰਮਲੀ ਦਿਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਸਗਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ? बिल्कुल, जिस तरह कि हम वाटर साइकिल ही है ना, तो धरती तो पानी उड़ना है जी, तो उपरों जो बारिश जो कंडेंस होनी है बदलों से, तो बारिश होनी है। सो जो धरती इतों जो इन्ना जो हम असी पिछले अपने अंकड़े देखते हैं मौसम के, तो वो देखा जा रहा है कि जी ह्यूमिडिटी है जोड़ा पानी मतलब आप कह सकते हैं कि वाटर वेपर्स ने एयर के बहुत ज़्यादा वध गए हुए है जी। वो जो इन्ना ज़्यादा वध जा रहा तो ही आपको कई बार बहुत अनकंफर्टेबल भी लगता है, वैदर इतना ह्यूमिड हो जाता है, क्योंकि एक तो पानी जो फसल खड़ी है वो वैपोरेशन होनी, ट्रांसपीरेशन होनी है, वो पानी ने उड़ना है, एक ऑलरेडी मतलब पानी के जोड़े कण हैगे ने वो हवा के होंगे है, जिहदे नाल कि सानूं इस तरह की कंफर्टेबल लगता है ना। तो ये की होंगे कि जे इस तरह ही जे आप रात का तापमान देखते हैं वो भी बहुत वधिया पिछले सालों के, आइडिया कोई तापमान कितनी पिछले सालों नाल तब्दीली देखते हो? देखो जे तो आप एवरेज सरफेस टैंपरेचर की गल करते हैं तो 1 डिग्री तक जो पिछली सदी तो टैंपरेचर वध चुका है जी। तो जिवें आपां जे असीं पंजाब दी स्टडी की गल करते हैं तो जिवें साडे कोल अलग-अलग जिलियां दा हैगा आ, उहदे विच भी आपां कह सकते हैं कि 1 ਤੋਂ 1.5 डिग्री तक जिहड़ा रात दा तापमान वधिया जी, रातां जिहड़ियां ओह गर्म होईयां ने, दिन दा तापमान भी वधिया पर उहनूं इन्ना आपां सिग्निफिकेंट नहीं कहंदे भी बहुत ज़्यादा वधिया, पर रात दा तापमान जिहड़ा ओह ज़्यादा वधिया। एक चीज़ ये मैं देखण नूं देखी सी कि अबोहर फाजिलका साइड इस वार बारिशां घट होईयां, इहनूं भी नोटिस आया ਤੁਹਾਡੇ ਕਿ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ये बागां दा एरिया इत्थे बारिशां दा घट जिहड़ा प्रभाव रहा है। बिल्कुल हाँ जी, जिवें कि फाजिलका जिहड़ा बहुत वर्स्ट अफेक्टेड रहा है, मतलब 75% जिहड़ी वर्खा आ फाजिलका दे विच घट रही है। अच्छा 75%? बिल्कुल हाँ जी, पर हुण जिहड़ी आ सितंबर दी वर्खा जिहड़ी हो गई है इहदे नाल काफ़ी हद तक उन्हां नूं राहत मिली है तो 75 तो हुण 40% तक आ गए। बाकी पंजाब दे जिल़ियां दा की हाल रहा इस मॉनसून सीजन दा? बाकी तो वैसे देखो ओवरऑल बहुत वधिया रहा, जिवें लुधियाना देखा जाए बहुत वधिया बारिश रही है, दे विच वी साडे कोल नॉर्मल कंडीशनस ने जी। तो कुछ जिले है जिवें कि अमृतसर हो गया, गुरदासपुर हो गया, हुशियारपुर हो गया, रोपड़ हो गया, ये वाले जिहड़े एरियाज़ है इन्हां दे विच तां मतलब ज़्यादा ही हुई है वर्खा, आम नालों ज़्यादा हुई है ना। तो जिहड़ा सेंट्रल पंजाब है उहदे विच जिवें नॉर्मल रहिंदे आपां कहदे आं, पर जिहड़ा दक्षिणी हिस्से है उत्थे थोड़ी जी जरूर घट हुई है। इस बार घट हुई है कि पिछले सालों च भी ये घट महसूस की गई सी? हाँ, पिछले सालों के भी आम मतलब जे आपां उपरों थल्ले की गल करते हैं तो जिहड़े जिवें मतलब मध्यवर्ती इलाके है ना, उस तो बाद फिर अपने नीम पहाड़ी इलाके, फिर मध्यवर्ती इलाके, फिर दक्षिण पश्चिमी इलाके, तो रेनफॉल जी घटती है जी। उपर जिवें 1100-1200 मिलीमीटर एवरेज आप लें तो घट के इधर 300-400 मिलीमीटर रह जाती है। पर जे आप पिछले 50-60 सालों की असी एनालिसिस किया है तो सूँ यह लगे कि जी उपर वाली वर्खा सीगी ना वो भी 1000 तो घट गई है। अच्छा जी। हाँ जी, तो जी 400 वाली सीगी वो भी घट के 200-250 से हो गई है। वर्खा च इन्ना बदलाव आ गया। हाँ जी बिल्कुल, ये सिर्फ मौसमी तब्दीलियां दा ही असर। फसलों ते कितना ओवरऑल असर पवेगा जां भविख च पै सकदा, क्योंकि सीजन एक्सटेंड हो गया अक्तूबर तक जा सकता है, जिहदी एहतियात रखी जा सकदी? देखो जे तां जिस तरह टैंपरेचर इवें ही वधदे रहे है ना, जिस तरह आपां देख रहे हैं कि हुण जिवें 1 डिग्री मैं तुहानूं कहा कि सरफेस एवरेज टैंपरेचर वध गया तो आने वाली जिहड़ी 2050 तक 1.5 डिग्री तक जिहड़ा वधण दी संभावना हैगी है जी। तो जे 21वीं सदी दा खत्म होंदी है जां 2100 तक की गल करते हैं तो उतों टैंपरेचर साढ़े को 3 तो 4 डिग्री तक वध सकता है जे इस तरह ही हालात रहते हैं जी। तो जे टैंपरेचर इन्ना वधदा है तो साडी जिहड़ी झोने की फसल है, कणक की फसल है, उन्हां दे झाड़ ते बहुत असर पैण वाला है कि जे आपां एंड सेंचुरी की गल करते हैं 2100 सदी तक तो जिहड़ा राइस वीड सिस्टम है साडा उहदे ते साडे को 40% तक जिहड़ा झाड़ है वो घट सकता है जी। इन्ना फर्क पै सकदा जी, इन्ना फर्क पै सकदा। हाँ जी, जे मौसमी तब्दीलियां इस तरह असी कंटिन्यू रखियां क्योंकि जिवें आ सीजन एक्सटेंड होण लग्या अक्तूबर तक, इहनूं आपां नेड़े देखीए तां किसान भरावां नूं तुसीं की सजेशन देओगे? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅੱਛਾ ਗੁੱਡ ਮੌਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵਾਟਰ ਟੇਬਲ ਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸੋ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਦਕੀ ਇਹ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਫਲੱਡਿੰਗ ਰੇਨਫਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਥੋੜੀ ਰੁਕ ਕੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਕਿਣਮਿਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਣਮਿਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ 2 ਦਿਨ ਪੈ ਗਈ, 3 ਦਿਨ ਪੈ ਗਈ ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪੈ ਗਈ, ਤਾਂ ਜਿਸ तरह ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 1 ਘੰਟਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਗਈ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵਰਖਾ ਇੱਕੋ ਦਿਨ 'ਚ ਹੀ ਪੈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਫਲੱਡਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਯੂਜ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਕ ਕੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ 3-4 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਰੁਕ ਕੇ मतलब 2 घंटे पै गई, 4 घंटे पै गई, फिर अगले दिन पै गई, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਸਿਮਦਾ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਮਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤਬਦੀਲੀ ਯਾਨੀ ਕੁਦਰਤ ਆਪ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਆਪ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ ਜੀ, ਕੁਦਰਤ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਿਗਨਲ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਚੇਂਜਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਪ ਅਪ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਨਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ नहीं करते तो आप बहुत ज़्यादा। यूनिवर्सिटी केड़ी गल नूं लैके इस सीजन दे विच चिंतित है, जिहड़ी कोई चिंता हुंदी है तुहाडे माहरां दे विच? सानू मेनली तो यह हुंदा कि जिहड़ा मतलब मॉनसून सीजन है उहदे च पानी नूं आपां साम किवें सकते हैं जी, जिवें वाटर हारवैसटिंग टैक्नीक्स ने यूनिवर्सिटी वालों बहुत वधिया मॉडल्स भी बनाए गए हैं कि वाटर नूं जो अपने को पता है कि इन्नी रेनफॉल होनी है इस सीजन के बीच जां किसी दिन आपको लगता है कि हैवी रेनफॉल भी हो रही है तो असी उन्होंने पानी को संभाल के करिए ताकि जो जो आपको फिर लोड़ होए वो असी पानी को यूज़ कर सकिए ना, या कुछ इस तरह का सिस्टम बनाया जाए भी जो पीने वाला पानी है उन्होंने असी किस तरह वरतना है तो जो आप होर किसी काम लिए पानी वरतना उन्होंने मतलब ट्रीट करके वरत्या जा सके। सो इस तरह दी कई तरह दी जिहड़ियां चेंजिज़ ने या यूनिवर्सिटी अपने वालों इनिशिएटिव लै रही है, सो इस तरह दी जिहड़ियां मतलब कोशिशां कीतियां जा रही ने। थैंक यू डॉक्टर साहब, टाइम दिता बहुत शुक्रिया, बहुत धन्नवाद तुहाडा। डॉक्टर साहब नाल गलबात करके बड़ा चंगा लगा क्योंकि ये जो मसला है ये बारिशा देखो एक्सटेंड होके ये कहें अक्तूबर तक भी जा सकती है। मौसम च तब्दीली है जी जो सौण महीना मन्निया जाता सी बारिशा का महीना वो हुण गल्लां अगे पै रही हैं। भादों लंघ के बारिशा अक्तूबर तक जाण नूं फिरदियां ते अस्सू महीना जो ठंड का आगाज़ मन्निया जाता है उत्थे बारिशा होण नूं फिरदियां। मौसम दियां जिहड़ियां तब्दीलियां वातावरण दे विच जो हो रहा है ये सानूं फिक्रमंदी जरूर दिखानी चाहिए है, ध्यान देने की लोड़ है। दिओ इजाजत, फिर मिलांगे। सत श्री अकाल। देश दुनिया की हर वड्डी खबर नाल जुड़े रहण लई साडे यूट्यूब चैनल नूं सबसक्राइब करो, नाल दी नाल हर नवी वीडियो की नोटिफिकेशन लई बैल आइकन जरूर दबाओ। जेकर तुसीं वीडियो फेसबुक ते देख रहे हो तो इसनूं लाइक जरूर करो और ज़्यादा तो ज़्यादा शेयर